बेपर जॉय और उसके बाद जुलाई महीने में भरपूर मानसूनी बारिश मिलने के बाद अगस्त लगभग सूखा निकला। कई स्थानों पर बारिश हुई ही नहीं, लेकिन सितंबर में मानसून फिर से एक्टिव हुआ और कई क्षेत्रों में बारिश हुई। पिछले दिनों से राजस्थान के झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई। वही अगले 24 घंटों की बात की जाए तो राजस्थान के दो संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस अलर्ट को लेकर प्रशासन भी तैयार में है कि कहीं कोई घटना हो तो तुरंत राहत प्रदान की जाए। यह अलर्ट मौसम विभाग जयपुर की तरफ से जारी किया गया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम तक की बात करें तो पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश ने लो प्रेशर बना हुआ है। इसी कारण पिछले दो दिनों से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हुई है। 24 घंटों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 157 mm बारिश झालावाड़ में दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो बीकानेर और इसके आसपास क्षेत्रों में कहीं भारी बारिश तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे तक कैसा रहेगा मौसम? अगले 24 घंटों की बात करें तो मौसम का असर दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग में देखने को मिलेगा। इन संभागों में भारी बारिश हो सकती है। इनके अलावा जयपुर, जोधपुर, भरतपुर आदि इलाकों में दो दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। रुक रुक कर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। यही नहीं, 17 सितंबर को प्रेशर थोड़ा आगे बढ़ेगा, जिससे उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। किन चार जिलों में होगी भारी बारिश? वहीं 18 सितंबर को इसका असर बाड़मेर और झालावाड़ में देखने को मिलेगा। ये लो प्रेशर एक्टिव मानसून के रूप में दो दिनों तक देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों में राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश की बात की तो राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन चार जिलों में होने की संभावना है।